अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 15 के लेक्चर नंबर 7 पर, और आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन जो है बच्चों, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसको जो अटेम्प्ट करने की तरतीब है वो म्यूचुअल इंडक्शन जैसी ही है, और ये टॉपिक जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन से भी कुछ हद तक सिमिलर है। ठीक है बच्चों, तो हम ये आज का टॉपिक जो है उसको उसी अंदाज़ में, उसी तरतीब से जैसे हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था लेक्चर नंबर 6 में, उसी तरतीब से हम इसको अटैम्प्ट करेंगे, जिसमें इसकी डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन, फिर सेल्फ इंडक्टेंस उसके यूनिट्स पे बात करेंगे, और एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे जिसमें हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करें आप, और इसके नोट्स वगैरह आप लोग साथ साथ बनाएं। 40 मिनट्स तक लेक्चर होगा, और इसकी जो मुकम्मल डिस्कशन है उसको आप लोग सुनें और उसको नोट करें। ऑलराइट बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक सेल्फ इंडक्शन, और उसको हम स्टार्ट करते हैं कि सेल्फ इंडक्शन एक्चुअली होती क्या है। तो अगर बच्चों सेल्फ इंडक्शन को हम लोग लिखें, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको इसी हेडिंग से कि सेल्फ इंडक्शन क्या है। तो आप लोग भी बच्चों इसको साथ साथ नोट करें और पॉइंट्स बनाते जाएं। तो बच्चों पहला पॉइंट जो है, दैट इज़ सेल्फ इंडक्शन द फिनोमिना इन विच, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम कि ये भी एक फिनोमिना है, और इसमें द फिनोमिना इन विच Changing current, the phenomena in which changing current in a coil induces an EMF in itself, right? तो ये बच्चों इसका स्टार्ट है हमारे आज के लेक्चर का, कि सेल्फ इंडक्शन जो है ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें हम किसी कॉइल के अंदर करंट को चेंज करते हैं, और उस करंट को चेंज करने से उसी कॉइल के अंदर इन इट सेल्फ एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ अ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, राइट। यानी खुद के किसी कॉइल के खुद के करंट के चेंज की वजह से उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है खुद में ही, दैट EMF is self-induced EMF and the phenomenon is known as self-induction. ठीक है बच्चों, तो इसकी explanation जो है वो करते हैं, और इसमें जो different इसके points हैं उन points को understand करते हैं। Okay बच्चों, explanation जो है इसमें जो मैं आपके सामने एक ही coil बनाऊंगा, right? आज हमारा जो काम है वो basically एक ही coil से है। Mutual induction जो है उसमें दो coils हमने बनाई थी, तो एक कॉइल जो है वो हमें चाहिए। अब उसमें जो उस कॉइल का मीडियम है, दैट मे बी एयर, और दैट मे बी सम अदर देन सम मटेरियल अदर देन एयर, तो आई चूज़ सॉफ्ट आयरन। ये जो हमारे पास जो है ये एक सॉफ्ट आयरन है, राइट, एक सिलेंडर सा समझ लें, और इसके ऊपर एक कॉइल जो है वो वाउंड करेंगे, और उसमें से फिर करंट पास करवाएंगे, और उससे रिलेटेड फिर बातें। लेट्स से बच्चों कि इस तरह से उस कॉइल के कुछ वाइंडिंग है उसकी, कि उसके ऊपर हमने नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बनाए हुए हैं काफ़ी। तो दीज आर सम नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड ऑन द कॉइल। अब इसके साथ दो चीज़ें जो है वो अटैच, यहाँ पे इसके साथ कुछ चीज़ें अटैच करेंगे। उसमें सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एक अटैच करेंगे हम रियोस्टेट, राइट। सो रियोस्टेट इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टर, तो ये है एक रियोस्टेट, और इसके साथ यहाँ पर जो हम एक स्विच बना देते हैं, और एक साथ बैटरी अटैच कर देते हैं, दैट वर्क्स एज ए सोर्स ऑफ करंट, और यहाँ से इसमें हम इसके साथ दूसरा एंड कनेक्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ अ बैटरी हैविंग सम पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज और ईएमएफ वी, और ये स्विच है, राइट, दैट इज़ टू ऑन एंड ऑफ द सर्किट। और ये बच्चों जो है ये हमारे पास एक रियोस्टेट है आर, विच हैज़ रेजिस्टेंस आर फ्रॉम ज़ीरो टू आर, ठीक है, ज़ीरो भी हो सकती है और आर भी हो सकती है। और इस सर्किट में बच्चों ये जो आपके सामने मैंने बनाया ये एक ही कॉइल है, सो दिस इज़ ओनली प्राइमरी, और कोई नाम नहीं कहते प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं कहेंगे, बिकॉज दैट वाज इन म्यूचुअल इंडक्शन। दिस इज़ अ सिंपल कॉइल,
स्विच और यू स्टेट। इस कॉइल के अंदर जब हम स्विच क्लोज करेंगे तो हमें पता है कि इसमें करंट फ्लो करेगा, राइट। दैट करंट गोज, कन्वेंशनल करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव। सो लेट्स से कि इसके अंदर जो करंट है दैट गोज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। इस तरह से वाइंडिंग्स हैं या कनेक्शन इस तरह हैं कि करंट गोज़ फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन। ये जो करंट है जो इस करंट को हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम रियोस्टेट, रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर दें करंट गोज़ टू मैक्सिमम, और रेजिस्टेंस को मैक्सिमम कर दें करंट गोज़ टू मिनिमम। तो इसका मतलब है कि इस सर्किट में करंट को हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं। एक ये है कि ये जो स्विच है स्विच को कॉन्टीन्यूसली ओपन या क्लोज़ करें, और उसमें फिर रूल ये है कि जब हम स्विच को क्लोज़ करते हैं तो करंट गोज़ फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम, और जब स्विच को ओपन करते हैं करंट गोज़ फ्रॉम मैक्सिमम टू ज़ीरो। और अगर यहाँ से नहीं करना तो फिर रियोस्टेट से भी कर सकते हैं एनीवे। और जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने पर इस करंट फ्लो करता है, और आपको पता है कि करंट के फ्लो की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, राइट। दैट मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द करंट इन दिस सर्किट इन दिस कॉइल। तो ये जो इसका मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लूँ और फिर उसके बाद आगे बात लेके चलते हैं। दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अब जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो रेंज है या इसकी जो स्ट्रेंथ है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर तक जो है वो जा सकता है या कितना स्ट्रॉन्ग होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ करंट। क्योंकि अब जो हमें पता है कि ये एक सॉलिनॉइड का केस बनता है, और सॉलिनॉइड के केस में हमारे पास जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है बी दैट इज़ म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट इज़ अ कॉन्स्टेंट, एन जो है स्मॉल एन दैट इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट। के इसकी जो वाइंडिंग आपने की है वो एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स बनाए हैं, और आई जो है दैट इज़ करंट, राइट। सो दैट डिपेंड्स ऑन करंट। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको मैं कंप्लीट दिखाऊं इसकी डायरेक्शन वगैरह, तो इनसाइड जो है वो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, चूँकि करंट मैंने लिया है डाउन से अप, तो ये मेरे राइट हैंड के मुताबिक इसमें जो इसके इनसाइड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इट मीन्स कि इस तरफ जो है वो नॉर्थ बनेगा, और फिर उसके मुताबिक जो है इसमें इस तरफ जो है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर जो है वो इस तरफ से इस तरफ जाएगा। एनीवे ये तो मैग्नेटिक फील्ड की कंस्ट्रक्शन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की जो कंस्ट्रक्शन है ये हम शो कर भी सकते हैं और नहीं भी शो कर सकते, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ साउथ होगा। ऑलराइट, तो ये हो गया इसका जो मैग्नेटिक फील्ड। और अब जो असल बात है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इस कॉइल के अंदर खुद से आएगी, खुद से आ जाएगी। एक तो बच्चों ये है ईएमएफ, और ये एक्सटर्नल ईएमएफ है जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा इस कॉइल के अंदर। और जब इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा, और अगर वो करंट कॉन्स्टेंट है, ये आप बात याद रखें कि अगर वो करंट कॉन्स्टेंट हुआ, अगर उस करंट का मैग्नीट्यूड चेंज ना हुआ, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि कोई सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगी, राइट। कांस्टेंट करंट देर इज़ नो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इसीलिए हमने यहाँ पे ये सोर्स के साथ ही स्विच और रियोस्टेट इसीलिए लगाए हैं कि हम इसकी रेजिस्टेंस चेंज करें ताकि करंट चेंज हो, और जब करंट चेंज होगा तो देन उसमें जो फिर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। अब जो कॉन्सेप्ट यही है कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी डिपेंड्स ऑन आई। अब एन तो यहाँ पर फिक्स्ड है और आई पे डिपेंड करता है, सो व्हेन आई चूज आई इक्वल ज़ीरो सो बी बिकम्स ज़ीरो। जब यहाँ आई ज़ीरो है बी ज़ीरो है, और जब मैं चूज़ करता हूँ कि आई मैक्सिमम हो तो देन डेफिनेटली बी गोज़ टू मैक्सिमम। सो इस रियोस्टेट से करंट चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज करने से करंट चेंज होगा, और फिर करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो फिर इसी कॉइल के अंदर बचो एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। दैट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब यहाँ पे जो फ्लक्स की टर्म मैंने यूज़ की है दैट इज़ एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू सम एरिया, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स इज़ बी ए, बी इज़ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये देखें बी, और ए जो है दैट इज़ एरिया ऑफ दिस कॉइल, राइट। दिस कॉइल हैज़ सम एरिया, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में से पास कर रही हैं तो बी टाइम्स ए विल बिकम फ्लक्स। और जब बी चेंज होगा
जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी बी, तो फिर फ्लक्स भी चेंज होगा, और दैट चेंज इन फ्लक्स इज़ ड्यू टू चेंज इन बी, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और फिर कितना ज़्यादा वो फ्लक्स में चेंज आएगी पर सेकेंड, दैट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. तो खुद से इस कॉयल के अंदर एक EMF इंड्यूस हो जाएगी. ऑलराइट बच्चों, तो अब इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं, और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम ये देखते हैं कि ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF आएगी वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, या उस सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा. ठीक है बच्चों, तो हम हेडिंग बना लेते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड EMF. आइडिया तो समझ आ गया हमें कि ये भी फ्लक्स में चेंज की वजह से ही है. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, राइट. सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस तरह से हम ड्राइव करेंगे. लेट यहाँ पे जो मैं अज्यूम करता हूँ, लेट फाई इज द फ्लक्स ऑफ वन टर्न ऑफ द क्वाइल. ठीक है बच्चों, फर्ज करें कि इसके एक टर्न अगर है तो उसका फ्लक्स जो है दैट इज़ फाई, कोई एस नहीं, कोई पी इसके साथ नहीं लिखेंगे. एंड एंड लेट एन नंबर ऑफ टर्न्स, एंड लेट एन नंबर ऑफ टर्न्स आर ऑफ द क्वाइल. ठीक है जी, क्वाइल के एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो देन बच्चों इसमें हम कह सकते हैं देन एन फाई विल बी द टोटल फ्लक्स, एन फाई विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्वाइल. ठीक है जी, तो इस क्वाइल का जो टोटल फ्लक्स बनेगा दैट मस्ट बी एन टाइम्स फाई, फाई एक का फ्लक्स और एन उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. तो वी डिड्यूस, अब यहाँ से हम खुद से इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो इसका टोटल फ्लक्स होगा एन फाई, सो द टोटल फ्लक्स एन फाई मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. ठीक है बच्चों, इस कॉइल में जो इसका टोटल फ्लक्स होगा दैट इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन करंट, क्योंकि करंट जो है वो जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना इसका टोटल फ्लक्स भी ज़्यादा होगा. तो करंट और टोटल फ्लक्स जो है इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाती है. ठीक है ना, सो एन फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल. और यहाँ पे बच्चों जब हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे बच्चों हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट कांस्टेंट इज़ एल, राइट. और एल जो है दैट इज़ नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट. तो यहाँ पे बच्चों हेयर एल इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट. ठीक है बच्चों, इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट के नाम से याद रखेंगे. ऑलराइट, अब जो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट, जैसा कि मैं इसको कह रहा हूँ और हम लिख रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, बट दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, राइट. तो डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, और वो जो फैक्टर्स क्या हैं, नंबर वन डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो क्या हैं, नंबर वन वो फैक्टर जो आपने याद रखने, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल. एक ही कॉइल है तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है कि ये एल की वैल्यू क्या हो. नंबर टू इसमें जो ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल, इस कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है. अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो इसकी वैल्यू कम होगी. और तीसरा जो नेचर ऑफ कोर मीडियम, नेचर ऑफ कोर मीडियम,
इसका मतलब है कि बच्चों ये जो कॉयल आपने बनाई है इसके अंदर जो मीडियम है वो क्या रखा है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था म्यूचुअल इंडक्शन में, ये जो कोर है दैट कैन बी एयर, द कोर कैन बी ए सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन के केस में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। एयर के केस में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक रहती है और उसमें फिर जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो भी फिर कम होगी। ठीक होगी बात बच्चों? ऑलराइट, तो ये बच्चों आपको पता चल गया कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो ये कांस्टेंट, बट ये तीनों फैक्टर्स पे, अगर ये तीनों फैक्टर्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वही है और नेचर भी आपने कोई मीडियम भी रख दिया जिसके ऊपर कॉयल अब नहीं चेंज करे तीनों को, तो नाउ द एल इज वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विल बी कांस्टेंट फॉर दिस कॉयल, इस कॉयल के लिए कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब जो हमने फाइंड करनी है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फैराडे लॉ। तो यहाँ पे जो इसको मैं अब ले आता हूँ उधर से इस तरफ, यूजिंग, इसको यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ, यूजिंग फैराडेज लॉ हमारे पास जो ईएमएफ है दैट इज़ माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब जो यहाँ पर ये हमारे पास जो है ये फैराडेज लॉ है और इस फैराडेज लॉ जो है इसकी मदद से हम इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो लिख देते हैं। अब इसके मुताबिक बच्चों जो ईएमएफ है दैट विल बी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसको फिर मैं लिखता हूँ माइनस डेल्टा एन फाई अपॉन डेल्टा टी। इस एन को मैं डेल्टा इसके अंदर लिख देता हूँ और चूँकि एन कॉन्स्टेंट है तो इसमें जो चेंज है वो अफेक्ट नहीं होगी, राइट। सो द चेंज इन एन फाई विल बी द टोटल चेंज इन फ्लक्स, राइट। सो एन फाई जो है दैट इज़ इक्वल्स एल टाइम्स आई, तो उसको अगर रिप्लेस करें इसके अंदर तो हमारे पास माइनस डेल्टा एल आई अपॉन डेल्टा टी और यहाँ से बच्चों ये जो एल है दैट इज़ कॉन्स्टेंट, अगर इसको मैं बाहर ले आऊँ सो ई एम एफ विल बी इक्वल्स टू माइनस एल टाइम्स डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। सो दिस एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंड्यूस्ड ई एम एफ। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो सिंबल है दैट इज़ फॉर सेल्फ इंड्यूस्ड ई एम एफ एंड सेल्फ इंड्यूस्ड ई एम एफ डिपेंड्स ऑन सेल्फ इंडक्टेंस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इस एक्सप्रेशन को यूँ भी लिख सकते हैं कि सेल्फ इंड्यूस्ड ई एम एफ इक्वल्स कॉन्स्टेंट सम कॉन्स्टेंट एल टाइम्स डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, इसमें आप ये जो कांस्टेंट है अगर इसको ख़त्म कर दें तो कांस्टेंट की जगह पर प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करें सो दैट विल बी माइनस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। दैट मींस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। इसका मतलब है कि जितना इस कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ज़्यादा है, यानी इस कॉयल के अंदर जितना करंट ज़्यादा चेंज होगा या जितनी तेज़ी से चेंज होगा या जितनी करंट की वैल्यू ज़्यादा से चेंज होगी उतना इस कॉयल के अंदर जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उतनी ज़्यादा होगी। ऑलराइट बच्चों, तो ये एक्सप्रेशन बन गया सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का। यहाँ से हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से हम इसका रिलेशन देख सकते हैं कि इसका जो रिलेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के साथ क्या है। ऑलराइट, समझ आ गई बच्चों बात की? चलें जी, ये एक्सप्रेशन हमने बना लिया। नेगेटिव साइन मींस द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी अपोजिंग टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल, राइट। इसका मतलब जो ये है कि एक तो हमने गिवन ईएमएफ है जिसके मुताबिक जो करंट है वो इसके अंदर फ्लो कर रहा है और एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दैट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल oppose this given rate of change of current, right? अब ये जो current है इसकी जो change आएगी, rate of change of current जो होगा that will be in one way, और वो जो self-induced EMF आएगी उसकी वजह से एक current आएगा, that current will oppose this magnetic field। ठीक है, देखें बच्चों, फर्स्ट कहें कि इसमें जो current है that is I, उस करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बना जो कि नॉर्थ है और इसका इधर साउथ है। जब जो इसके अंदर ये तो आई जो है दैट इज़ गिवन, राइट, इसको कह लेंगे आई इज़ गिवन करंट। फिर जो ऐसा होगा कि इसके अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई,
तो उस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से सेल्फ इंड्यूस्ड करंट बन जाएगा, राइट, दैट विल बी सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। वो जो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट होगा वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश करेगा इसके अंदर, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन सच अ वे दैट इट अपोजिस द गिवन मैग्नेटिक फील्ड। जो गिवन मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ इधर है, तो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका साउथ इधर बनेगा। अगर गिवन मैग्नेटिक फील्ड का साउथ इधर है तो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ इधर बनेगा, तो दे विल अपोज ईच अदर, सो द सिचुएशन बिकम्स टोटली ओपोजिट टू ईच अदर। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड गिवन ईएमएफ दे ऑलवेज अपोज ईच अदर। और जो इसमें इस तरह भी होता है कि अगर लेट्स से कि एट वन मोमेंट के अगर गिवन ईएमएफ और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल हो जाते हैं तो दैट एट दैट पॉइंट द टोटल करंट थ्रू दिस क्वाइल बिकम जीरो एंड देर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड इन दिस क्वाइल, राइट। ये भी बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है कि जिस वक्त ये गिवन वोल्टेज, गिवन ईएमएफ और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल हो जाएंगे, देर इज़ जीरो वोल्ट, देर इज़ नो करंट इन दिस क्वाइल, देर इज़ नो करंट, देर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड, तो आप ये समझें कि एवरीथिंग इज़ अपोजिंग, राइट। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ अपोजिंग, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट एंड गिवन करंट इज़ अपोजिंग, गिवन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड सेल्फ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आर अपोजिंग ईच अदर, एवरीथिंग इज़ अपोजिंग ईच अदर। सो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम ज़ीरो अगर ये दोनों, अगर ये गिवन और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर दोनों के इक्वल हो जाते हैं तो रिजल्टेंट ईएमएफ बिकम ज़ीरो, और गिवन करंट एंड सेल्फ इंड्यूस्ड करंट अगर इक्वल हो जाते हैं द रिजल्टेंट करंट इज ज़ीरो। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड करंट बिकम्स इक्वल, दे कैंसल्स आउट ईच अदर एंड देर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज़ वेरी एक्साइट, मतलब आप कह लें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस केस में। तो आम तौर पर भी ये जो होता है ना सेल्फ इंड्यूस्ड कॉयल, ये जो कॉयल्स होती हैं इनको हम यूज़ करते हैं एज ए वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे कह लें कि जिसमें करंट जो है उसको वेरी करते हैं, और एज एनर्जी स्टोर्ड भी यूज़ करते हैं जिसको हम पढ़ेंगे, लेकिन एज ए वेरिएबल रेजिस्टर भी यूज़ होते हैं, ये करंट को अपोज करते हैं। ठीक है, देखिए ना, आपने गिवन करंट दिया, जब इसमें गिवन करंट गया तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आई और करंट आया, उसकी वजह से ये रिजल्टेंट करंट जो है इस कॉइल में वो डिक्रीज हो गया, राइट। सो करंट जब डिक्रीज या इंक्रीज होता है तो दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ अ रेजिस्टर। तो ये एज ए रजिस्टर भी एक तरह से वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे भी हम इससे काम ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस नेगेटिव साइन एक्सप्लेन्स ऑल दिस फिनोमेना कि जो गिवन और जो सेल्फ इंड्यूस्ड क्वांटिटीज हैं दे आर अपोजिंग ईच अदर, सो दैट मीन्स एक्सप्लेन विद दिस नेगेटिव साइन। ठीक है बच्चों, ऑलराइट, तो नेगेटिव साइन एक्सप्लेन हुआ। एक चीज़ बच्चों यहाँ पे रह गई, वो ये है कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ। सेल्फ इंडक्टेंस जो है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा था, सेल्फ इंडक्टेंस इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो अगर सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करना पड़ जाए तो हाउ कैन वी डू दैट, तो हमारे पास जो इक्वेशन है माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, यहाँ से जो अगर हम एल को फाइंड करें तो दैट विल बी ईएमएफ ओवर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। सो यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑल्सो हेनरी, ये भी आपने याद रखना है। Units of self inductance is also Henry, right? Also का word मैंने इसलिए use किया क्योंकि mutual inductance के unit भी Henry हैं, all right? अब जो यहाँ से one Henry जो है, we can define one Henry equals one volt और नीचे आ जाएगा one ampere per second, और इसको हम वन हेनरी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसको डिफ़ाइन करेंगे तो बच्चों इसको मैं इस तरह से कहूँगा कि सेल्फ इंडक्टेंस इज़ वन हेनरी, राइट। इसको इस तरह से वर्ड्स में कहेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉयल इज़ वन हेनरी इफ़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ वन एम्पियर पर सेकेंड इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ वन वोल्ट, राइट। सही है ना, समझ आ गई बात की। तो लिख देता हूँ इसको मैं, तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस इज़ वन हेनरी, इसको जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ,
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 1 हेनरी इफ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये आप कह लें कि मैंने हेडिंग इसकी है 1 हेनरी। अगर डिफाइन करना पड़ जाए, कहीं लिखना हो कि 1 हेनरी क्या है, सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज़ 1 हेनरी इफ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं कि जो 1 हेनरी इस इक्वेशन से, कि जो 1 हेनरी है दैट इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर पर सेकेंड, और इसको बच्चों हम लिख सकते हैं वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। ठीक है, ये सेकेंड ऊपर और एम्पियर साथ, सो 1 हेनरी इज़ 1 वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। इस तरह से बच्चों 2 हेनरी को भी डिफाइन कर सकते हैं। 2 हेनरी जो है दैट इज़ ये सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट हों और उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड ही हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड, और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो 2 वोल्ट हो, तो दैट सेल्फ इंडक्टेंस विल बी 2 हेनरी। ऑलराइट बच्चों, तो इस तरह से जो है वो हम इसके सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये है कि जो इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स हैं उनमें जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो यूज़ होता है, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो ये वाला यूज़ होता है जिसमें एन फाई इक्वल्स एल आई, और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। एक और बच्चों इसमें ट्रिक है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो ये कि जब आप लोग म्यूचुअल इंडक्शन वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, वो एक मेन टॉपिक है जो हमने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा था, उसको जब आप लोग बच्चों प्रिपेयर करते हैं तो उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके ही आप सेल्फ इंडक्शन वाला जो लेक्चर है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बच्चों आप लोगों ने डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज करनी है, उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस जाहिर बात है 2 कॉइल्स हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन 1 कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन अनदर कॉइल, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपने कहना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस इन ईएमएफ इन इटसेल्फ। ठीक है, ये चेंज करें, कॉइल्स 2 नहीं बनानी, 1 बना देनी है, और उसके बाद जो बच्चों इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें बच्चों कहीं पर भी आपने एस या पी नहीं लिखना। मतलब अगर आपने म्यूचुअल इंडक्शन वाला क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया है तो उसके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें कहीं एस या पी मेंशन नहीं करना, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन के लिए एक ही कॉइल है। एक तो वो ख़त्म करें, दूसरा जो कांस्टेंट है वो एल की बजाय एम की बजाय एल लगा दें, राइट, वहाँ पर एम है वहाँ यहाँ पर एल है, और उसकी डेफिनेशन और सारे फैक्टर्स वो सारा कुछ सेम है। तो इसका मतलब है बच्चों अगर आप म्यूचुअल इंडक्शन वाला क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छा सा, तो उस क्वेश्चन में ही थोड़ा सा चेंज करें तो आपका ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है ये प्रिपेयर है, सेम लाइंस पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे सेम जो है वो ऑलमोस्ट सेम जो है वो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, और एल जो है ये रिप्लेस हुआ है एम से, बाकी सारा कुछ इसमें उसी तरह से आपने लिख देना है। और एक फैक्टर जो है वो इसमें कम है, क्योंकि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसमें एक फैक्टर जो है वो सेपरेशन ऑफ कॉइल्स वाला होता है, वो यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पता है कि देयर इज़ ओनली 1 कॉइल, सो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उस एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करें और एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा, बाय 1 गेट 1 फ्री, राइट, तो लर्न 1 गेट 1 लर्न फ्री, इस तरह से हम इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले बच्चों वो वाला लेक्चर आप कंप्लीट देखें, लेक्चर नंबर 6 म्यूचुअल इंडक्शन, और उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, उसके बाद ये वाला जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 इसको आप लोग जो है वो प्रिपेयर करें। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है एग्जाम में हमारे। ऑलराइट बच्चों,
तो इस लेक्चर को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, वो भी इसको देखें, आप भी देखें, फिर मिलकर आप इसको डिस्कस करें। और उसके बाद अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मेरे नंबर पर आप लोग क्वेश्चन को मुझे सेंड करें और मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। ऑलराइट बच्चों, तो यहाँ पर आज का लेक्चर कंक्लूड करता हूँ मैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अच्छा अच्छा सा आप लोग पढ़ते रहें। आपसे फिर मुलाकात होती है लेक्चर नंबर 8 में। ऑलराइट बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।